सो हेलो गाइस, अगर आप एक ब्लॉगर हो, अगर आपने वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है तो आपके माइंड में मिथ यही टॉपिक चल रहा होगा कि एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें अपनी वेबसाइट पर, गूगल का एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है एडसेंस पर। मेरे 6 साल एक्सपीरियंस से जो से मैंने गलतियां की है, जो से मैंने सीखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज कर तैयार किया जाता है और कैसे अप्रूवल गूगल एडसेंस से लिया जाता है कि आपकी वेबसाइट पर से जल्द अर्निंग शुरू हो जाए आपकी। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग पर अप्रूवल नहीं मिल रहा एडसेंस का, तो आप क्या ऐसी गलती कर रहे हो, तो मैं प्रैक्टिकल लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, वो आपको समझाऊंगा कि 100% मैं कहता हूँ कि 24-48 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपके इनकम जो सा सोर्स है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी वेबसाइट की तरफ ले चलता हूँ कि जो सी 7 पोस्ट होने के बावजूद भी मुझे एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला, गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला है जिसकी अर्निंग शुरू हो चुकी है। तो 1 month old ये वेबसाइट पुरानी है, तो फिर भी मुझे अप्रूवल मिल चुका है। तो दूसरा स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे क्यों गलतियाँ कैसे कर क्या गलतियाँ करते हैं जिसके कारण आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, मैं आपको सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल लाइव वीडियोस की मत करना। आप ये देख सकते हो कि गुड न्यूज संदीप महेश्वरी smtv.com इज रेडी टू शो एडसेंस एड्स। इसको कैसे मैंने अप्रूवल लिया, तो जैसे मैंने इस वेबसाइट को ब्लॉग्स को मैंने अप्लाई किया था मोनेटाइज के लिए, तो इस पर उस टाइम 7 पोस्ट थी, सिर्फ 7 पोस्ट, और अभी भी 7 पोस्ट हैं। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पर काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये वेबसाइट को मैंने कन्वर्ट कर एक एप्लीकेशन तैयार की है smtv। अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे ना, तो प्ले स्टोर पर आप सर्च करना smtv, तो दूसरी या तीसरे नंबर पर आपको मेरी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका ओनर टेक्निकल गिल होगा। तो उस वेबसाइट उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, तो उसको ओपन कर देखना, तो यही वेबसाइट ओपन होगा इसमें। तो उसको मैंने मोबाइल फ्रेंडली के तौर पर तैयार किया है कि एप्लीकेशन की तरह लगे वो, बट उसमें यही जो सी वेबसाइट है, तो उस पर अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, एड्स पर क्लिक हो रही है। तो ये देख सकते हो संदीप महेश्वरी smtv.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख सकते हो, 7 सिर्फ 7 पोस्ट अपडेट है इसमें, पब्लिश है, फिर भी अप्रूवल मिल गया मुझे। और इस वेबसाइट में कुछ खास नहीं है, फिर भी कैसे अप्रूवल मिला 24 घंटों में, और 24-48 घंटों में मुझे अप्रूवल मिल गया। आप जैसे अप्लाई करते हो मोनेटाइज के लिए, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आपके जो सी वेबसाइट है, ब्लॉग्स हैं, उस पर ना ही ज़्यादा आर्टिकल लॉन्ग की वर्ड होते हैं, जिसमें लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उसमें सिर्फ 400 या 200 या 300 वर्ड्स होते हैं, और आपने लिखे होते हैं 10 या 15, ठीक, और ना ही उसमें पेजेस होते हैं जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस, कॉन्टैक्ट में, जिससे आप आपकी वेबसाइट पर कोई लैंड होता है तो आप वो कोई कॉन्टैक्ट कर सके आपसे, वो भी पेज नहीं देते आप। और आपकी चौथी गलती होती है, आप कोई जो सी वेबसाइट है जो सी वो इंडेक्स नहीं होती गूगल पर। और आपकी जो सी पांचवी गलती होती है, वो मोबाइल फ्रेंडली थीम होती है, मोबाइल फ्रेंडली थीम यूज़ करनी चाहिए हमको हमेशा, एडसेंस फ्रेंडली होनी चाहिए जिसमें एड्स अच्छे से दिख सकें। तो अगर आप वर्डप्रेस पर हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जर्नेट प्रेस, तो ये मैं यूज़ करता हूँ, बहुत बेस्ट है, वैसे तो बहुत वर्डप्रेस में है, तो जर्नेट प्रेस बहुत अच्छी वेबसाइट थीम है यूज़ है, तो ये ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये गलतियाँ सुधारो, आपके जो सी वेबसाइट में है, ब्लॉग्स में है, वो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ये काम करो, आप पेजेस बनाओ, पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट, इसमें आपको जीमेल होनी चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल वो, और पेजेस होने चाहिए, हेडर फुटर में डाल दो, और ज़्यादा हैवी ना होनी चाहिए, और 20 से 25 लेकर आप आर्टिकल पब्लिश कर दो अपनी वेबसाइट पर, ब्लॉग्स पर 20 से लेकर 25, क्योंकि आप बिगिनर्स हो भी, 20 से लेकर 25, और जिसमें 700 से लेकर सबसे लॉन्ग 700 से लेकर 800 तक वर्ड्स आपके आर्टिकल में होने चाहिए, कॉपीराइट यूज मत करना, 20 या 25 लिख दो या 20 लिख दो, और 1 या 2 मंथ जैसे ये गूगल पर इंडेक्स हो जाती है, तो आप फिर पब्लिश कर देना, अप्लाई कर देना मोनेटाइज के लिए। मैं ग्रेजुएट कहता हूँ कि आपकी जो सी है मोनेटाइज हो जाएगी, अगर फिर भी नहीं होती तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेक्निकल गिल, इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोज आती रहती है एडसेंस के रिलेटेड, ब्लॉग्स के रिलेटेड, अनलिमिटेड जानकारी। लव यू, थैंक्स।